की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा लेके आई हूँ। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि आपने परीक्षा का पैटर्न देखा होगा। और अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की जिसमें व्याकरण पूछा जाता है, उसमें इस पर आधारित चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है। अगर बीपीएससी टीआरई का पेपर आप उठाएंगे 1 और 2 का, तो उसमें भी इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो चाहे कक्षा 6 से 12 के लिए आप किसी भी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कक्षा 6 से 8 के लिए, 9 से 12 के लिए, तो ये प्रश्न या ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि आप सभी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, इन सभी चीज़ों को आप कहीं भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बच्चे जो है गलत भी कर देते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता है। और व्याकरण से हमने देखा कि TRE 2 में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो व्याकरण के उन टॉपिक्स को मैं आप सभी को करवा दूँगी जो आप सभी के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से भेद होते हैं, तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये कुल 5 प्रकार के जो है संज्ञा के भेद होते हैं। आपको यही याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर नॉर्मल पूछा जाए कि संज्ञा कितने भेद हैं, तो 5 हैं। और अगर रचना के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, तो देखिए, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, स्वर। अब बात जब हमने संधि की है, तो आपने ये देख लिया कि संधि के 3 भेद हैं। इसमें भी अगर बात करें हम स्वर संधि की, तो स्वर संधि के भी आगे जाके 5 भेद हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से भेद हैं? तो देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये वृद्धि संधि है। तो देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि जो है हमारे 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट की बात करें, तो देखिए, समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये कुल 6 प्रकार के भेद जो है समास के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो देखिए, इसमें भी आगे जाके तत्पुरुष समास के हमें 6 भेद देखने को मिलते हैं। बाकियों का भेद नहीं होता, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसके भी भेद होते हैं। और ये भी भेद क्या होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी कारक हैं आप उनको याद रख लीजिए। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये कुल 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। फिर बात करेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो है कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कर्ता कारक, जिसमें हम ने का प्रयोग करते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, या फिर हम कह सकते हैं पृथक, कोई भी जब अलग होता है तो वहाँ पे से का यूज, अपादान कारक का यूज़ करते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा तो अलग हो गया, तो वहाँ पे से आ जाएगा। संबंध कारक, का के की, जैसे किसी का संबंध है राम का पिता, तो इस प्रकार से। अधिकरण, में पर, और संबोधन, हे अरे। तो ये कुल 8 प्रकार के जो है हमारे कारक होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एकवचन और बहुवचन।
फिर बात करें लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ बात हम हिंदी व्याकरण की कर रहे हैं। बात जब अगर संस्कृत की पूछी जाए तो वहाँ पे तीन प्रकार के होते थे, तीसरा जो होता था वो उभयलिंग होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हिंदी व्याकरण की होती है, तो हिंदी व्याकरण में दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर बात कर लेते हैं काल की, तो कितने काल होते हैं, तो काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये कुल तीन प्रकार के काल होते हैं। फिर बात करेंगे विशेषण की, तो विशेषण के कुल कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक और संकेतवाचक। तो ये कुल चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, फिर परिणाम देखते हैं उसका, परिमाण जो है उसकी देखते हैं, फिर संख्यावाचक और फिर संकेतवाचक। फिर है सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए सर्वनाम के कुल छह भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है कुल छह प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के विशेषण के, क्रिया के नहीं, क्रिया विशेषण के, तो क्रिया विशेषण के कुल चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो ये कुल चार प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, काल, रीति, स्थान और परिमाणवाचक। तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने पेपर देखा होगा तो उसमें भी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर इनका हम डिटेल भी करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें आती है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने प्रकार की होती है। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के कुल दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर बात करें कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो है दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। कुल देखिए मुख्यतः जो है वो दो ही प्रकार के आएंगे, कहीं कहीं आपको मुक्तक छंद भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर छंदों के मुख्य प्रकार की बात करें तो ये मात्रिक और वार्णिक ही होते हैं। फिर बात करें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। और आपको मेन दो पे तो प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा गया था किसी परीक्षा में, हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए रस जो है वो नौ प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये कुल नौ प्रकार के रस हैं। इसमें जो जोड़ा गया है वो है वात्सल्य रस को दसवां और भक्ति को जो है ग्यारहवां रस माना गया है, ठीक है। तो वैसे अगर पूछा जाए तो नौ ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है दो और को ऐड कर दिया गया, वात्सल्य और भक्ति रस को। तो कुल इस प्रकार से हम इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे ग्यारह हो जाते हैं, नहीं तो वैसे अगर बात करेंगे तो कुल नौ प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो, आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से मैं और भी चीज़ों के जो भेद हैं कितने प्रकार हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इससे संबंधित होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।